जो लंबर की मसल्स कनेक्टेड हैं वो हिप मसल से कनेक्टेड हैं। तो जो इनका हम अलाइनमेंट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अलाइनमेंट देखेंगे तो इनका जो अलाइनमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। जो इनका राइट साइड PSIS है वो पोस्टीरियर है और जो लेफ्ट है वो ASIS। PSIS जो है वो एंटीरियर शिफ्ट है और ये पोस्टीरियर शिफ्ट है, मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं मेरा अंगूठा ऊपर नीचे है, तो इसका मतलब इनका जो ये हिप है वो पीछे है और ये जो हिप है वो आगे की तरफ इस तरीके से हो चुका है। तो अभी ट्रीटमेंट देना है वो इसी चीज़ का देना है कि इनका हिप को हम बैलेंस कर पाएँ और पेशेंट की जो ये मांसपेशियों पर तनाव आया हुआ वो ठीक हो जाए। तो हम इसी का ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अगस्त स्पाइन एंड शोल्डर क्लिनिक से। मेरे साथ हैं आज मनीष जी, और मनीष जी का जो ट्रीटमेंट हमने किया लोअर बैक पेन का, इनको क्या इश्यूज थी, क्या इनको प्रॉब्लम थी, कितने टाइम से था, एक बार मनीष जी से जानेंगे इनका क्या एक्सपीरियंस हमारे साथ। माय नेम इज मनीष, मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ। तो एक्चुअली क्या था कि मैं जिम में एक दिन वर्कआउट कर रहा था तो मेरी बैक में एकदम स्ट्रेन आया, पेन बिल्कुल, मतलब काफ़ी टाइम से था ये, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा था कि माइनर मेजर है, अपने आप ठीक हो जाता था। तो मैंने लास्ट एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम बताई, फिर उसके बाद मैं कहीं किसी और कायरोप्रैक्टर के पास भी गया, उन्होंने मेरे को काफ़ी डरा दिया, मतलब ऐसे कर दिया कि आप अब मतलब ठीक भी नहीं हो पाओगे, ऐसे उन्होंने काफ़ी तरह से बोला। मैंने इसका काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, 2 फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गया, उन्होंने 8-10 सेशन लिए मेरे पर, मेरे को कोई आराम नहीं पड़ा, बिल्कुल ऐसे हो जाता था कि 2-3 दिन ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत वापस पेन आ जाता था। तो मैं सर के पास आया, सर ने मेरे को चेक किया अच्छे से, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। काफ़ी मतलब 2-2.5 महीने से मेरे को प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद अब ये महीने भर से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट है, मैं बिल्कुल ओके हूँ, 80-90% मेरे को रिजल्ट यहाँ से मिले हैं। तो मनीष जी का रिव्यू आपने देखा कि मनीष जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो पहले कुछ डॉक्टर्स के पास गए बट उनको बहुत ज़्यादा डराया गया ये बोल के कि आपकी डिस्क प्रोट्रूजन है और वो शायद ठीक नहीं हो पाएगी जल्दी से और ऑपरेशन भी आपका हो सकता है, कुछ ऐसी बातें कह के इनको बोला गया। लेकिन जब ये मेरे पास आए तो इनकी प्रॉब्लम को पहले अच्छे से बारीकी से हमने चेक किया कि एक्चुअली इनको प्रॉब्लम क्या है, इनका अलाइनमेंट हमने चेक किया, इनकी रीढ़ की हड्डी का बैलेंस हमने चेक किया, हिप का बैलेंस हमने चेक किया, मसल्स इम्बैलेंस चेक किया, सारी चीज़ों को चेक करके पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया। और आज इनका ट्रीटमेंट हमारी तरफ से कम्प्लीट हो चुका है, पेशेंट ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं। आगे के प्रिकॉशंस के लिए हमने इनको कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट की है ताकि आगे भी इनको ये इश्यूज और प्रॉब्लम दोबारा ना आए। तो मैं दुआ करता हूँ इनको कि दोबारा प्रॉब्लम ना आए और ये होपफुली सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे जैसे हमने बताया है। और मैं ऐसे पेशेंट्स को जिनको शाटिक नर्व की प्रॉब्लम है, बैक पेन, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, शोल्डर या घुटनों में तकलीफ है, उनको कहूँगा कि एक बार आप हमसे कंसल्ट कीजिए, आपको आपको जैसा ठीक लगेगा, मतलब अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक होने लायक होगी तो हम आपको हाँ करेंगे, और अगर बिल्कुल ही 80% से ऊपर ये लगता है कि बिल्कुल आपका केस हाथ से ही निकल चुका है तो हम आपको क्लियर ना भी कर देंगे।
जैसा आपका केस होगा वैसा ही हम आपको ट्रीट।